नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी में। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पेटीएम पे यूपीआई सर्विसेज को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कैसे चालू कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने पेटीएम से ही किसी भी यूपीआई कोड को स्कैन करके या फिर किसी भी यूपीआई जो है यूजर नेम को डाल के अपने पेमेंट के ऐप के जरिए ही डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से जो है फंड ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे के यूपीआई अकाउंट में। यानी कि जो यूपीआई अकाउंट है बेसिकली क्या करता है, वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर होता है। बस इसमें फर्क ये होता है कि इसमें आप यूपीआई के थ्रू जो फंड ट्रांसफर करते हैं। तो यही मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी पेटीएम यूज करते हैं तो अपने पेटीएम में यूपीआई को कैसे शुरू कर सकते हैं और उसके बाद कैसे आप यूपीआई के जरिए जो है किसी भी शॉप पे या किसी पर्सन को जो है फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, पेटीएम सीरीज की ये एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले भी मैंने काफी वीडियोस पेटीएम के ऊपर बना दी हैं, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो वीडियो जरा सी भी अगर आपको काम की लगे तो इसको लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, क्योंकि काम की और अच्छी चीज जितनी स्प्रेड की जाए उतनी बेटर होती है, क्योंकि आपके साथ साथ किसी आपके फैमिली मेंबर, रिलेटिव या किसी फ्रेंड को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितनी भी वीडियोस बना लूँ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन से क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ उस बटन के जस्ट साइड में आपको एक बेल आइकन दिखाएगा, आप उस बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपके सामने तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी काम की वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं पेटीएम ऐप को। उसके बाद मैं बताता हूं, आप क्लिक करेंगे यूपीआई मनी ट्रांसफर पर। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने बहुत सारे बैंकों के ऑप्शन आ रहे हैं, कुछ जो बड़े बैंक हैं उनके ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में दिखाई देंगे, या फिर आप देखिए यहाँ पर क्लिक करके आप सभी बैंकों के लिस्ट देख सकते हैं। तो आपको वो बैंक सेलेक्ट करना है जिस बैंक से जो अपना यूपीआई आप सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से वो बैंक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सिम फोन में दो सिम कार्ड हैं या एक सिम कार्ड जो भी है, तो आपको अगर दो हैं तो उनमें से वही सिम कार्ड सेलेक्ट करना है जो नंबर आपका जो है जो आप बैंक आपने सेलेक्ट किया उस अकाउंट में रजिस्टर्ड है। उसके बाद आप करेंगे वेरीफाई, उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलेगी, इसका मतलब जो आपका यूपीआई सक्सेसफुली रजिस्टर्ड वेरीफाई हो चुका है। अब आप दूसरा आपका काम क्या है, अपना यूपीआई का जो है पिन सेट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो देखिए, आपको नीचे एक यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर एक सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपने जो भी बैंक आपने सेलेक्ट किया है अकाउंट उसका डेबिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर देनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको जो है पहले कॉलम में आपको जो है अपने डेबिट कार्ड के आखिरी 6 डिजिट यहाँ पर एंटर करने हैं, उसके बाद डालेंगे एक्सपायरी डेट और फिर डालना है आपको एक्सपायरी मंथ, उसके बाद डालेंगे ईयर। इतना करने के बाद आपको कर देना है प्रोसीड। अब ये देखिए यहाँ पर अपना जो है कोई भी 4 डिजिट का आप यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको डालना पड़ेगा ओटीपी जो पेटीएम की तरफ से आपको आया होगा। अब सेकंड नंबर पर आप जो है अपना यूपीआई पिन कोई भी 4 डिजिट का अपनी इच्छा से डाल सकते हैं, उसके बाद आप कर दीजिए ओके, अगेन कन्फर्म करके आपको ओके कर देना है। ये देखिए अब आप जो है यूपीआई के लिए सक्सेसफुली जो है रजिस्टर हो चुके हैं। इसके बाद जो है अपना पिन डाल के आप कोई भी यूपीआई की जो है पेमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आप पेटीएम से किसी भी चीज़ के लिए यूपीआई पेमेंट कैसे करें, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन मेरी मेहनत को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे या वीडियो को डिसलाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो वीडियो बनाई है वो आपके काम आई या नहीं आई। और साथ ही साथ दोस्तों, जाने से पहले इस वीडियो के नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी इतनी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक वो आप लोगों तक पहुँचेगी नहीं तो क्या फ़ायदा।
तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर इस वीडियो से रिलेटेड या और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।